हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में जिससे आप डेटा को आसानी से एंड्राइड टू एंड्राइड, एंड्राइड टू पीसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जेंडर के बारे में। जेंडर से आप किसी भी एंड्राइड टू एंड्राइड आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ आपको इसका उपयोग कैसे करते हैं। आपको गूगल प्ले में जाके जेंडर डाउनलोड करना है। डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आपको उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे जो पहला काम होता है वो होता है सेंड या रिसीव का। अगर आप सेंड कर रहे हैं तो आपको आपके फ्रेंड को रिसीव करना होता है, और आपका फ्रेंड यदि सेंड करता है तो आपको रिसीव करना होता है। तो चलिए मैं मेरा फ्रेंड है सो मुझे सेंड कर रहा है, मैं रिसीव करता हूँ। मैंने रिसीव किया, जैसे ही रिसीव किया तो सर्च करने के बाद मेरा ये फ्रेंड का जो लिंक है वो आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कनेक्ट हो रहा है। ये दोस्तों कनेक्टिंग का प्रोसेस है, ये बस 2 सेकेंड का समय लेता है और कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये कनेक्ट हो जाता है, आपका दोस्तों जो सेंड करता है उसका हॉटपोस्ट ऑन होता है, और जो जो रिसीव करता है उसको वाईफाई ऑन होके कनेक्ट होता है। दोस्तों अगर मैं भी कुछ भेजना चाहता हूँ, यस मैं भी कुछ भेजना चाहता हूँ, तो मैंने यस कर दिया। अब दोस्तों आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, जैसे हिस्ट्री, अभी तक आपने क्या लेन देन किया है किसी के भी साथ, और ये फ्रेंड्स, ये आपके फ्रेंड्स का ऑप्शन देता है। आपके फ्रेंड्स के पास ये सारे ऐप हैं, आपके पास नहीं है। अगर आप इन सारे ऐप्स को लेना चाहते हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। और मुझे जियो 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 सिक्योरिटी, आप यहाँ पर बस केवल गेट का ऑप्शन में जाएंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे कि यदि मैं फ्लिपकार्ट लेना चाहता हूँ तो मैं गेट करूँगा तो फ्लिपकार्ट मेरा आना शुरू हो गया। तो इस तरह से दोस्तों अपने फ्रेंड्स का ऐप उससे बिना पूछे भी ले सकते हैं। आप कनेक्ट होने के बाद आप खुद से ले सकते हैं, उसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप अपना ऐप अपने फ्रेंड्स को भेजना चाहते हैं तो आसानी से भेज सकते हैं। जैसा कि मैं चाहता हूँ एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर है, मैं अपने फ्रेंड को भेज दूँ, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके सेंड करता हूँ तो ये जाने लगता है। और ये जाने का प्रोसेस जो ऊपर में वन हुआ है, देखिए अब ये चला गया, इतना फास्ट चला गया है। अब यहाँ से फ़ोटो का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये सारे, मैं आप 1, 2 या 50, आप जितने चाहें उतने फ़ोटो एक साथ सेलेक्ट करके, दोस्तों ये देखिए 8 जून 2017 का जो फ़ोटो है, इसमें अगर मैं ऊपर में क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जितने भी फ़ोटो है ये सारे एक बार में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ, जब जब तक आप यहाँ सेलेक्ट एक फ़ोटो भी सेलेक्ट नहीं करिए उस ग्रुप में, तब तक वो ऑप्शन नहीं दिखता है। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन दिखने लगता है पूरा। तो ठीक है दोस्तों, मैं इतना सारा फ़ोटो नहीं, मैं 1-2 ही आपको भेज के दिखाता हूँ। आप चाहें तो पूरा फ़ोटो देख भेज सकते हैं, आपको जितना भेजने का ज़रूरत है। तो मैं एक फ़ोटो इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ और सेंड करके आप बताऊँ, देखिए ये सेंड हो गया। इसी तरह से दोस्तों म्यूज़िक, आप म्यूज़िक चाहें तो 1 या 10 या 20 जितना चाहें उतना सेंड कर सकते हैं। देखिए तो सेंड किया और ये चला गया। इसी तरह से दोस्तों वीडियो, आपके पास अगर कोई वीडियो है और आप चाहते हैं कि आप उसे अपने दोस्त को शेयर करें तो आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये वीडियो है, आप चाहें शेयर कर सकते हैं। देखिए ये भी 1.33 सेकेंड भर में चला गया। आगे दोस्तों फाइल है, आप यहाँ से अगर आपको जो आप भेजना चाहते हैं वो आपको वीडियो, म्यूज़िक या ऐप वगैरह में नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट उसका लोकेशन में, जैसे कि आपने अपने फ़ोन मेमोरी में रखा है तो आप वहाँ पे जाके उसे ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ, मैं फ़ोन मेमोरी में अपने कॉन्टैक्ट को रखा हूँ, तो कॉन्टैक्ट को मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं उसे भेजता हूँ, तो मैं यहाँ से भेज सकता हूँ दोस्तों। तो आप चाहे तो कहीं से भी भेज सकते हैं, और ये भेजना काफ़ी आसान होता है, ये काफ़ी जल्दी हो जाता है, तो आपको टेंशन नहीं होता है दोस्तों। आप यहाँ से बैक जाइए, बैक जाने के बाद आपको यहाँ से इधर खींचना होता है। देखिए यहाँ पर रिसीव्ड दो ऑप्शन है, हिस्ट्री में आपका दो ऑप्शन है, आपने जो रिसीव्ड किया उसका हिस्ट्री पाना चाहते हैं, या फिर आप जो सेंड किए हैं उसका हिस्ट्री। तो मैंने ये सेंड किया है उसका हिस्ट्री आ गया, और ये मैंने रिसीव किया है तो इसका इसका हिस्ट्री आ गया दोस्तों। तो इस तरह से आपने जो सेंड किया उसका हिस्ट्री और जो नहीं सेंड किया उसका हिस्ट्री पा सकते हैं। दोस्तों डिस्कनेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने लेन देन कर लिया तो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ऊपर में ये कॉर्नर होता है जहाँ से आपका दिखता है, तो आप यहाँ अपना प्रोफाइल पिक्चर, आप अपना नाम यहाँ से सुधार सकते हैं, रख सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट का। तो यहाँ से आप अपना नाम वगैरह रख सकते हैं, अपने कितना फाइल ट्रांसफ़र किया है, आप कितने GB का फाइल ट्रांसफ़र किए हैं, कितने लोगों के साथ किए हैं, ये सारा आपका यहाँ से दिख जाएगा। रिसीव्ड 10
10 फाइल रिसीव्ड है और 15 फाइल्स टोटल लेन देन हुआ है, जिसमें से 10 रिसीव्ड है और 5 सेंड है। इस तरह से ये आपको प्रोफाइल को शो करता है। और आगे देखते हैं दोस्तों और सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शन है। ये इसका होम है, आप रैंकिंग करना चाहते हैं इसका या पीसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो पीसी से कर सकते हैं। फ़ोन रिप्लिकेट, दोस्तों आप फ़ोन से ही कनेक्ट करना चाहते हैं तो किस तरह का फ़ोन आपके पास है, जैसे कि न्यू है तो न्यू, ओल्ड है तो ओल्ड फ़ोन सेलेक्ट करिए। तो जैसे कि अलग अलग फ़ोन होते हैं तो कभी कभी दिक्कत होता है, तो आप इधर जाके ट्राई कर सकते हैं, आपका हो जाएगा। दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना होता है कि आप हमारा डाउनलोड लोकेशन वगैरह, डाउनलोड थीम, जैसे ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है तो मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ और कलर में हो, तो मैं चाहता हूँ ब्लू कलर में हो, तो ब्लू कलर में आप रख सकते हैं। या फिर यदि आप चाहते हैं कि डाउनलोड लोकेशन जो चेंज हो, तो डाउनलोड का जो लोकेशन है, जैसे आप फ़ोन मेमोरी रखना चाहते हैं तो फ़ोन रखिए, एसडी कार्ड रखना चाहते हैं तो एसडी कार्ड रखना चाहिए, तो इस तरह से आप रख सकते हैं। क्लियर ट्रांसफ़र हिस्ट्री, आप चाहते हैं कि मेरा जो ट्रांसफ़र हिस्ट्री है उसमें क्लियर कर दो, तो कि ये क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों सब ऐप मतलब बहुत सारा सेटिंग दिया हुआ है, तो आप इसका उपयोग यहाँ से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर बात करते हैं आगे।